Subscribe to Awaaz Today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या तसेच आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या वतीने सिडको आणि द आर्ट ऑफ लिव्हिंग यांच्या सहयोगाने आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाचे आयोजन सिडको एक्झिबिशन सेंटर सेक्टर 30 ए वाशी रेल्वे स्टेशन जवळ वाशी नवी मुंबई येथे करण्यात आले। मानवतेसाठी योग या संकल्पनेवर आधारित या वर्षीचा आंतरराष्ट्रीय योगा दिन साजरा होत असून आरोग्याच्या दृष्टीने योगाचे जीवनातील महत्त्व लक्षात घेऊन स्व आरोग्याविषयी जागरूकता दाखवत नवी मुंबईतील कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नवी मुंबईतील नागरिक मोठ्या संख्येने या योगा दिनाच्या दिवशी उपस्थित राहून योगाचा आनंद घेत असलेले पाहायला मिळाले। दररोज योगा केल्याने तुमच्या शरीरावर सकारात्मक परिणाम होतो। शरीर आणि मन शांत करण्यासाठी योगा फायदेशीर मानला जातो। योगा केल्याने तुमच्या शरीराला ऊर्जा मिळते, स्नायूंची ताकद वाढते, तसेच यामुळे तुमची श्वसन ऊर्जा आणि चैतन्य सुधारते, असा संदेश देत आमदार मंदा म्हात्रे यांनी देखील योगाचा आनंद घेतला। आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाचे महत्त्व सांगत सर्वांना आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। जागतिक योगा दिवस आहे। या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी यांनी गेले 7-8 वर्ष जागतिक योगा दिवस जाहीर करून आज संपूर्ण देशभरामध्ये योगाची सगळीकडे प्रात्यक्षिक चालू आहेत। आणि योगा नेमका योगा म्हणजे काय तर मनाला शांती असं नाही, शारीरिक फिटनेस आहे, मनाचं फिटनेस आहे, त्याच्याप्रमाणे आपल्या शरीरात होणारे बदल जे आहेत त्या योगामुळे त्याच्यावरती एक कंट्रोल ठेवला जातो। आणि योगा करणं किती गरजेचं आहे। पूर्वी ऋषीमुनी हे योगा करायचे आणि त्या योगाच्या माध्यमातूनच लोक 100-100-150 वर्ष फिटनेस असायचा त्यांचा। आज आपण नवी मुंबई महानगरपालिका सिडको आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून हा योगा इथे वाशी एक्झिबिशन सेंटरला घेतलेला आहे आणि इथे संपूर्ण अधिकारी, नवी मुंबईतले रहिवासी आलेले आणि सगळे योगा करत आहेत। त्यामुळे अपन सगळ्यांनी योगाचा आनंद घेतलेला आहे। मुझे ऐसे लगता है कि नवी मुंबई का आरोग्य भी अच्छा रहना चाहिए। इस नवी मुंबई की जो लोग है, कोरोना के टाइम में जो बहुत सारे लोग हमारे चले गए, मगर जो भी है बचे उनके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। सिडको एग्जीबिशन सेंटर ने ये मुफ्त में आज का ये हॉल दिया है और महानगर पालिका ने इसको आज पूरा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने यहाँ पर योगा सिखाकर लोगों को एक अच्छा आज अच्छी सुबह योगा के माध्यम से तुम्हारे हमारे में आज हो रही है और इसकी खुशी है। मैंने इतना ही कहा कि ये कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है और हर साल होते आए। गए साल 2 साल कोविड के टाइम में नहीं था, पहले संजय भाटिया थे, उन्होंने शुरुआत की थी और ये शुरुआत ऐसी बनी रहे ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में, योगा के बिना तुम हम जी नहीं सकते। क्योंकि बचपन से ही अगर योगा किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, तो आज देख रहे हैं हमारे बच्चे सब मोबाइल और कंप्यूटर में बिजी है। उसको योगा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन करना उससे भी और ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन से अपना पूरा दिन भर की थकान जो है वो पूरी निकल जाती है और मेडिटेशन से बहुत ही कुछ दिमाग में जो अपने अशांति चलती है उसको शांतता मिलती है और योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को विनती करूंगी कि आप ज़रूर योगा सुबह में 15-20 मिनट के लिए भी तो करते जाइए। आंतरराष्ट्रीय योगा दिन मंदा म्हात्रे यांच्या उपस्थित उत्साहात संपन्न झाला। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमित रेनोसे सह प्रिया बुजबळे यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकॉन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल ब्युझिंग न्यूज।